आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिखरती कांग्रेस के बारे में, यानी कि आज सबसे पहली खबर होने वाली है बिखरती कांग्रेस, जीत की राह कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रही है। जी हां, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, आज से 135 साल पुरानी है और इस पार्टी का इतिहास आजादी के पूरे संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आजादी तो मिल गई लेकिन उसके बाद क्या, क्यों कांग्रेस पार्टी अपना ग्राफ मेंटेन नहीं कर पाई, क्यों एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं आ पा रही। देखिए, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस लगातार प्रयास तो कर रही है लेकिन क्यों ये फेल हो रही है, क्यों उनका जो प्रयास है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। और आज हम बात करेंगे आखिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है, साथ ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने का क्यों सोचते हैं लीडर्स, यानी कि नेता, और क्या कांग्रेस की जीत की राह मुश्किल दिख रही है। और फिर हमारी स्टोरी टू बात करेंगे दूसरी जो मुख्य खबर रहने वाली है किसान आंदोलन को लेकर, जहां बात नहीं बनी है, किसान जो है वो अड़े हुए हैं, क्यों अड़े हुए हैं, 7 दिन से किसान जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव का समय पास है, ऐसे में MSP जैसा बड़ा मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर कि आखिर क्या मांगे हैं किसानों की, सरकार ने किसानों को क्या दिया और किसान आंदोलन में आगे क्या हो सकता है, इन दोनों मुख्य खबरों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। तो देखिए, देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। अब कांग्रेस जो है वो पेड़ के पत्ते की तरह एक एक करके झड़ रही है और कांग्रेस की डालियां सूनी होने लगी है, या यूं कहे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सबसे बड़े दल के बरगद के पेड़ की जड़ें जो है वो हिलने लगी है, क्योंकि बरगद का पेड़ तो बड़ा पुराना होता है लेकिन इसकी जो रूट्स है, जो जड़ है, वो कहीं ना कहीं हिलने लगी है। अब कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं में कांग्रेस से बाहर अपना राजनीतिक भविष्य कहीं बेहतर दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की पहली पसंद है क्योंकि वो पिछले 10 साल से सत्ता में है और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कोई और दल या समूह उसे सत्ता से बेदखल करने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। अब हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व CM अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस के कई बड़े नेता भी बीजेपी के साथ ऑफर को जो है स्वीकार कर रहे हैं। कमल के साथ दौड़ लगाने की रेस में तैयार खड़े हैं और वह भी तब जब लोकसभा के चुनाव पास में है और आम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके ही झटके लग रहे हैं। बीजेपी का अभियान जोड़ो और कांग्रेस को तोड़ो के चलते भारत जोड़ो मुहिम में जुटे राहुल गांधी भी अपना कुर्बा नहीं बचा पा रहे। तो सवाल है कि बीजेपी के बाहुबलियों की ओर से जारी पार्टी जोड़ो अभियान और कांग्रेस को तोड़ो से कहीं ना कहीं कांग्रेस में खलबली तो मची भी है। क्यों कांग्रेस पार्टी अपना ग्राफ मेंटेन नहीं कर पाई, क्यों एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं आ पा रही। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और उसके बाद समझते हैं कि आखिर क्या मुख्य कारण है कांग्रेस जो फेल हो रही है। कांग्रेस में लगातार भागम भाग पलायन, इन नेताओं की पसंद बनी बीजेपी। भारत जोड़ो मुहिम में जुटे राहुल गांधी लेकिन बचा नहीं पा रहे कांग्रेस का कुनबा। जुटे बीजेपी के बाहुबली, कांग्रेस में खलबली। कांग्रेस में लगातार हो रहे नेताओं के पलायन के साथ इन नेताओं की पसंद बीजेपी बनी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी घमासान मचा है। भारत जोड़ो मुहिम में जुटे राहुल गांधी भी कांग्रेस का कुनबा बचा नहीं पा रहे हैं। आम चुनाव से पहले बीजेपी में जाने की नजदीकियां लगातार कांग्रेस के पाले में खलबली मचाए हैं। सियासी उठापटक के दौर में कांग्रेस की कश्ती मझधार में है।
तो इससे बीजेपी की बांछें खिली हुई है। बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस को छोड़ने का सिलसिला देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल देगा? हालात तो ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि कांग्रेस के दामन से पिंडे छुड़ाने सा माहौल बीजेपी के प्रचंड होने के साथ ही शुरू हो गया। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग रहे बड़े झटके कांग्रेस रूपी पेड़ को खोखला करने की कवायद है? सवाल है कि क्या ये विसंगति है, क्या ये कांग्रेस के स्थायी पतन के संकेत है, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? जानकारी है कि साल 2016 से 2020 के बीच हुए चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 170 विधायक गवा दिए, तो ये सिलसिला अभी भी नहीं थमा। बीते 10 सालों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त भी काफी लंबी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मई 2016 में बीजेपी का दामन थामा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी 2023 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी से जुड़ गए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रहे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी 2017 में बीजेपी के साथ आ गए। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू दिसंबर 2016 में पीपीए के 32 एमएलए के साथ बीजेपी में आए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे सितंबर 2017 में कांग्रेस छोड़ी और 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 में बनाई पीएलसी पार्टी, बीजेपी में विलय किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण 13 फरवरी 2024 को कमल के साथ आए। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वालों की चर्चाओं के बीच राजनीतिक गलियारों में खूब बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुनबा बढ़ाओ अभियान के मिल रहे बड़े ऑफर का लाभ लेने के लिए कांग्रेस नेता दौड़ लगा रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े चेहरे या तो कांग्रेस से अलग हो गए या दूसरी पार्टियों के साथ हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुए। तब मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक कई विधायकों ने पाला बदला। राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे जितिन प्रसाद ने जून 2021 में छोड़ी कांग्रेस। तब वे यूपी में रहे कांग्रेस के शीर्ष ब्राह्मण चेहरे। कांग्रेस से विधायक रहे अल्पेश ठाकुर भी आए बीजेपी में। जुलाई 2019 में राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ किया था मतदान और फिर अल्पेश ठाकुर ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। राधापुर से उपचुनाव के लिए उतारा मैदान में लेकिन हारे। 2022 में हुए चुनाव में अल्पेश गांधीनगर दक्षिण से जीते। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह जनवरी 2022 में बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार फरवरी 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ मई 2022 में पार्टी छोड़ी और जुलाई 2023 में बीजेपी में आ गए। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल मई 2022 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कांग्रेस नेताओं को इनाम भी भरपूर मिला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने में कामयाब रहे सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जबकि जितिन प्रसाद यूपी में बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। आरपीएन सिंह को हाल ही में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना से नारायण राणे और बाबूलाल मरांडी भी हाल के वर्षों में बीजेपी में शामिल हुए हैं। राणे केंद्रीय मंत्री हैं और मरांडी बीजेपी नेता के रूप में झारखंड के पहले सीएम हैं, जिन्हें राज्य इकाई प्रमुख के रूप में पार्टी का चेहरा बनाया है। असम, मणिपुर और त्रिपुरा में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों हिमंत बिस्व शर्मा, बीरेन्द्र सिंह और माणिक साह की एक अलग कहानी है। कांग्रेस ने शर्मा को सीएम बनाने के अपने वादे का सम्मान नहीं किया और तरुण गोगोई को बरकरार रखा। हालांकि पाला बदलने और 2021 में बीजेपी के दोबारा चुने जाने का इंतजार करने के बाद शर्मा सीएम बनने में सफल रहे। तो वही बीरेन्द्र सिंह ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। उन्होंने 2017 में बीजेपी को बहुमत हासिल करने की इंजीनियरिंग में मदद की, उन्हें सीएम बनाया गया। मणिपुर में लगातार हिंसा के बाद उन्हें हटाने की जोरदार मांग के बावजूद वह सीएम बने हुए हैं। माणिक साह को सीएम बनने का मौका नहीं मिला क्योंकि त्रिपुरा में माणिक सरकार के तहत सीपीआईएम का कार्यकाल लंबा था। हालांकि 2023 में बीजेपी में शामिल होने और बिप्लव कुमार देव के उत्तराधिकारी बनने के बाद
उनकी किस्मत बदल गई। कहा जा सकता है कि बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं की लंबी सूची में से हिमंत बिस्व शर्मा और सिंधिया को सबसे अधिक फायदा है। विमानन और इस्पात मंत्रालयों का प्रभार संभालने के अलावा सिंधिया ने 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कई समर्थकों के लिए टिकटों का प्रबंधन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सब कुछ जानते हुए भी सोनिया गांधी पर कुछ नहीं करने का आरोप लगाया था और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल भी मोदी ने मोह लिया और सिंधिया ने कहा, नरेंद्र मोदी ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। एक तरफ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने निकले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता या तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या फिर अन्य पार्टी में चले जा रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस को झटके पर झटका उनकी पार्टी के नेता ही दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन राहुल गांधी अपना टूटता हुआ कुनबा नहीं बचा पा रहे हैं तो इंडिया अलायंस को कैसे संभालेंगे। कांग्रेस ने पूरे देश में विपक्ष को एनडीए के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए इंडिया अलायंस तैयार किया। तब उसे लगा था कि देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए यह रास्ता आसान होगा, लेकिन एक एक कर इंडिया अलायंस से पार्टियां अलग होती चली गई। सबसे पहले नीतीश कुमार, जिन्होंने इस गठबंधन के लिए सबको इकट्ठा किया था, बीजेपी के साथ हो लिए। फिर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी कांग्रेस का साथ रास नहीं आ रहा। बहरहाल कांग्रेस के 10 साल को देखें तो पता चलेगा कि एक तरफ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पार्टी की जमीन देश में मजबूत करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के दिग्गज और युवा नेता एक एक कर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी 400 पार की कश्ती पर सवार होकर कांग्रेस के नैया डुबोने की कोशिशों में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो आपने रिपोर्ट देखी, आप देखिए एक फिल्म अमर प्रेम आपने देखी होगी, जहां पर एक गीत की पंक्तियां है कि मझदार में नैया डोले तो मांझी पार लगाए, और मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन पार लगाए। अब कांग्रेस का इस समय यही हाल है। जिस गांधी परिवार पर कांग्रेस की नाव को पार लगाने का जिम्मा था, वही पार्टी का बेड़ा गर्क करके रहे हैं, और ऐसा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही खुद के लोग जो पार्टी में शामिल थे, वही ये सब कह रहे हैं। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस से निकलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह कोई जानता है? कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी वजह है कांग्रेस पर नेताओं को भरोसा नहीं, जो है वो कर ही नहीं पा रहे हैं भरोसा, या ये कहे कि कांग्रेस अपना ग्राफ मेंटेन नहीं कर पाई। जिस कांग्रेस को देश के हित में देखा जाता था, अब वही कांग्रेस पार्टी हर कोशिशों में फेल होती नजर आ रही है। कारण ये भी सामने आता है कि आंतरिक मतभेदों से जूझ रही कांग्रेस पार्टी, यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स है जो पार्टी में सुलझ नहीं पा रही, और कहीं ना कहीं ये जो मतभेद है वो बाहर दिखने लगा है, और काफी दफा बाहर दिखा भी है, जिस कारण जनता भी समझ जाती है कि पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा। अब अगर बात करें कि आखिर क्यों चुनावों में कांग्रेस का सक्सेस रेट ज्यादा खास नहीं है, वो इसलिए भी कि कांग्रेस ये खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर कहां कमी है कांग्रेस पार्टी में, या कहिए कि कांग्रेस पार्टी का जो लूप होल है वो समझ नहीं पा रहे लोग। अब देखिए, ये देखा गया कि पिछले कई सालों में कांग्रेस पार्टी से कई बड़े नेताओं ने अपना हाथ छुड़ा लिया और दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। पहले वो नाम आपके सामने हम रखते हैं जिन नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। अब देखिए नाम क्या क्या है उनके। कांग्रेस का चेहरा कहे जाने वाले इन नेताओं ने जो पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस को पिछले 10 सालों में उनके एक से एक वरिष्ठ अलविदा कर चुके हैं। इसकी वजह पार्टी में अंदर की अंदर कलह का कहीं ना कहीं होना है। अब इसी के चलते वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल से लेकर अशोक तंवर, जतिन प्रसाद, जयवीर शेरगिल, हिमंत बिस्व शर्मा, अनिल एंटनी, आरपीएस सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद समेत दर्जनों नाम शामिल है। इन नेताओं ने पार्टी छोड़ते समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर अनदेखी का आरोप लगाया था। देखिए, ये वो कुछ नाम है जिन्होंने पार्टी छोड़ दी।
और पार्टी छोड़ने की वजह कहीं ना कहीं पार्टी का जो विजन क्लियर नहीं है वो बताया जा रहा है। अब आरोप लगाया था कि कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और ज्यादातर नेता इस पार्टी में शामिल हो गए। और भी कई ऐसे नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, उनमें से हाल ही में राजस्थान के दिग्गज नेता जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया और कहा कि मेरी घर वापसी हो चुकी है। जहां एक और राजस्थान में भी कांग्रेस को बड़ा झटका यहां मिला। लेकिन अगर यहां बात की जाए बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस लगातार प्रयास तो कर रही है लेकिन फेल क्यों हो रही है? अब इसके कुछ मुख्य कारण हम आपको बताते हैं, पांच बड़े कारण। सबसे पहला, आंतरिक मतभेदों से जूझ रही कांग्रेस, जहां देखा गया किस तरह अंदर ही अंदर बहुत से नेता जो नाखुश दिखे और फैसला फिर उन्होंने लिया पार्टी छोड़ने का। दूसरी बड़ी वजह, गुटबाजी। अब इस बार विधानसभा चुनावों में देखा गया मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ी गुटबाजी देखने को मिली। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों में तकरार पहले दिन से ही उजागर थी। पूरे 5 सालों तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसे गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पाया। तीसरी बड़ा कारण, उल्टे पड़ते बयान। जी हां, कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की विफल कोशिशें की। हर बार भाषा की सीमा को लांघा गया यहां पर और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस तरह की बयानबाजी होने से हर बार भाजपा को ही लाभ पहुंचा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ताने मारे गए वो उल्टा कांग्रेस को ही पड़ गए। चौथा, कमजोर कम्युनिकेशन। सवाल ये है कि कांग्रेस के संगठन कमजोर क्यों है? दिखता है कि नेतृत्व की बात संगठन तक साफ साफ नहीं पहुंच पा रही। इस बार प्रियंका गांधी ने काफी प्रचार किया और कई तरह के वादे किए, परंतु वादे लोगों को समझ नहीं आए। और इसे दूसरी तरफ से कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि प्रियंका अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाई। कमोबेश यही स्थिति राहुल गांधी की भी रही। उन्होंने प्रचार किया मगर लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं कर पाए। इसके उलट भाजपा में नरेंद्र मोदी समेत सभी नेताओं की बातें लोगों तक समझ आई, लोगों ने समझा। चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देते हैं। पांचवीं बड़ा कारण, कांग्रेस का लचर संगठन। अब देखिए कैसे लचर संगठन कहलाया जाता है। और पांचवी जो सबसे बड़ी कमजोरी है आपको हम बताते हैं, जहां पर जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर नजर आता है। अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो कांग्रेस संगठन काफी कमजोर नजर आता है। एक समय था जब कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, सर्वोदय, यूथ कांग्रेस जैसे संगठन पार्टी के लिए खूब काम करते थे। पिछले काफी समय से ये सभी संगठन सुस्त नजर आते हैं। देखा गया कि इंडिया अलायंस भी बिखरता हुआ दिख रहा है और इसके पीछे एक वजह है कि नेताओं को पार्टी पर भरोसा नहीं है। वो समझते हैं कि पार्टी का कोई विजन नहीं है। एक एक करके इंडिया अलायंस खाली होने लगा और मुख्य कारण अ पार्टी विद नो विजन। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई और लगातार जनता के लिए काम किए। अब नरेंद्र मोदी ने 2014 में अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता पर काबिज हुए और 2020 में आत्मनिर्भर का नारा दिया। मोदी को एक मजबूत और लोकप्रिय नेता माना जा रहा है और अब ऐसे में छवि बनी है कि वो कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं है। पीएम ने कहा, आज विकसित भारत का वादा करने से ये सारे राजनीतिक दल जो है घबराते हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी और एनडीए ने ही इसका सपना देखा है और हम 2047 तक इसे पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको बीजेपी के वो वादे याद दिलाते हैं जिस पर नेताओं ने तो भरोसा किया ही, साथ ही जनता ने भी भरोसा किया। अच्छे दिन से आत्मनिर्भर तक नरेंद्र मोदी ने 2014 में अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता पर काबिज हुए और 2020 में आत्मनिर्भर का नारा दिया। मोदी को एक मजबूत और लोकप्रिय नेता माना जा रहा है।
ऐसी छवि बनी है कि वो कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं है और नई लीक बनाने की भी कोशिश करते हैं। मोदी इस बात से भी बेफिक्र रहते हैं कि जिस राह पर चलने का फैसला किया है वो कहां जाएगी और क्या नतीजे होंगे। अब दूसरी बड़ी आपको यहां पर दिखाते हैं कि क्या मोदी की उपलब्धियां है, जन कल्याण की दिशा में उठाए उन्होंने कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जन कल्याण की दिशा में कई बेहतर कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन धन योजना की घोषणा की थी। तीसरी बड़ी उपलब्धि, भारतीय सेना का पराक्रम दुनिया ने देखा। नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय सेना ने जो जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी संदेश दिया कि कड़े फैसले लेने में हम पीछे नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक के जरिए। ये बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। और पूरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दिया। अब भारतीय कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड पर हमला कर दिया और उन्हें तबाह कर दिया था। चौथी बड़ी उपलब्धि, अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी और आतंकवाद पर नकेल मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला लिया, जहां जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला किया जनसंघ के जमाने में से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान और एक निशान लागू हो गया। वहीं पांचवी बड़ी उपलब्धि, अल्पसंख्यकों से संबंधित फैसले मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। अब मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। अब मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी 2020 को अमली जामा पहनाया, तो यानी जो वादे किए गए उनको पूरा किया गया। और छठा वादा, राम मंदिर, जी हां, राम मंदिर बनवाया, सालों का सपना साकार किया, जो काम सदियों से लटके हुए थे उन्होंने कहा कि हमने उनको समाधान करने का साहस दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावड़गढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई है। भारत फिलहाल दुनिया की देखिए पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और लेकिन जब पीएम मोदी ने इन सारी बड़ी बातों में से राम मंदिर की बात कही तो लोगों में एक अलग जोश था, अलग उत्साह था, क्योंकि इतने सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना और वो भी पीएम मोदी के कार्यकाल में। अब देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पांचवी, अब ऐसे में अगर पीएम मोदी साल 2024 में होने जा रहा आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी सरकार के पास ऐसा करने के लिए साल 2029 तक का वक्त होगा। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर जनता ने बीजेपी पर क्यों भरोसा किया और कांग्रेस पर क्यों नहीं? इसका मुख्य कारण है बीजेपी के वादे जो बीजेपी ने पूरे किए 2014 से लेकर अब तक, यानी जो कहा उसे पूरा किया। और कहीं ना कहीं क्योंकि सब पीएम मोदी को एक लीडर के रूप में देखते हैं और सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको सम्मान दिया जाता है, भारत को सम्मान दिया जाता है। लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में बीजेपी नेताओं के दौरे और सभाएं शुरू होने लगी है।
अब भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आज अमित शाह का राजस्थान दौरा था, अलग अलग जगह वो गए। शाह के एक ही दिन के दौरे में प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों को कवर करने का रहा। अब इस दौरे में बीकानेर उदयपुर में शाह ने सम्मेलन में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। साथ ही बीजेपी के रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा में 400 सीट जीतनी है, इस पर फोकस रहा। इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां हमें पहले दो आम चुनावों की तरह 25 की 25 सीट जीतनी है। अब इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकसभा की हर सीट 5 लाख वोट से ज्यादा जीतेंगे। वहीं गृह मंत्री ने कहा बड़ी बातें, और उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही पहले आपको वो हम बताते हैं। राजस्थान में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए और हमने 2014-2019 में सभी सीटें जीती थी। सारी बड़ी बातें सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने आज क्या कुछ कहा। कांग्रेस देश का विभाजन करने पर तुली है। उनके ही नेता उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो हिस्सों में देश को बांटना चाहिए ऐसी मांग करते हैं, और मैं आज राजस्थान की जनता को वादा कर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल के नेतृत्व में आपने डबल इंजन सरकार बनाई है, अब यहां पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहां पर कौमी दंगे करे और मंदिरों को तोड़ने का कोई हिम्मत कर पाए। दंगों से मुक्त राजस्थान। तो देखिए कैसे उन्होंने कहा कि हमने 2014 और 2019 में सभी सीटें जीती थी, इस बार भी राजस्थान में ऐसा ही होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतनी है, लोकसभा कि सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे। कांग्रेस देश का विभाजन करने पर तुली है। उनके नेता यह मांग करते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटना चाहिए। अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि यहां कौमी दंगे कोई भी जो है वो दंगे कर सके। 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर आ खड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई है, और एक बार और मौका मिलेगा तो अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आ जाएगी। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हाथ नहीं लगा सकती। शाह ने कहा कि हमने धारा 370 हटाई, कश्मीर में हर रोज धमाके होते थे, अब वहां के हालात बदल रहे हैं। अब देखिए राजस्थान वीरों की धरती है, उन्होंने कहा मुगलों के खिलाफ मेवाड़ ने लड़ाई लड़ी है, और कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। आगे भी तो बेधड़क शो में लगातार हम बात करेंगे मुख्य खबरों के बारे में, लेकिन पहले बात सोना चाहिए। अब की बार जरा जोर से बोलो, अब की बार फिर एक बार भाई और बहनों, फिर से एक बार सभी की सभी सीटें जीतने का रिकॉर्ड राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी बनाए, ऐसा संकल्प लेकर हम जाएं।